लव यू मयूरी, शायद वो बुरा मान जाएगी। सॉरी भैया। ए रुक 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 रुक। ए यही ना है? हाँ भाई यही है। मार दे। अरे क्यों मार क्यों रहे हो भाई साहब? अरे अरे क्यों मार रहे हो? कोई बचाओ! भाग प्लीज। क्या हुआ? कौन थे ये लोग? कौन तुम्हें काहे पीट रहे थे भैया? पता नहीं मैडम, कौन थे ये लोग? हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। मतलब हमें जो खबर मिला था वो एकदम सही है? आपको कौन सी खबर मिली थी मैडम? हमको खबर मिला है कि तुम्हारी बीवी जो है ना, उन्होंने कुछ गुंडे हायर किए हैं तुमको पिटवाने के लिए, ताकि तुम्हारा अकल ठिकाने आ जाए और तुमको सबक मिल जाए। क्या बात कर रही हो मैडम आप? तुमको घबराने का जरूरत नहीं है, कानून भी कोई चीज होता है। हम तुम्हें अपनी निगरानी में रखेंगे, 24 घंटे तुम्हारे पे नजर गड़ाए रखेंगे। तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। ओके। थैंक यू। आपके लिए भी ऑर्डर करूं? नहीं, आप पर नजर रखने का ऑर्डर है हमें। हाँ यार, वो कॉलेज के भी क्या दिन थे ना। अरे वो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना जो, अरे जिसकी तू फिगर की बात किया करता था, वो जन परी दोस्त से बात कर रहे हैं ना। हाँ आप बात कीजिए, आप बात कीजिए ना। क्या भाई? कहाँ भाई? मैं जहां जहां चलूंगा तेरा साया साथ होगा। हाँ अरे मेरे भाई, अब मैं अपने घर में घूम रहा हूँ, पिछले 2 घंटे से तू मेरे पीछे हर कोने में घुसा चला आ रहा है। अरे अब हम अपने घर पे हैं, हमें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने घर पे और आराम करो यार, और हमें भी करने दो। ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है सुरक्षा का तुमको? है मौत, मच्छर और सांप बिना बताए आते हैं, डस के चला जाता है। हम यहाँ पर आए हैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन देंगे तुमको, ये हमारा ड्यूटी है। किधर जा रहा है तुम अकेले अकेले? हैं अरे बाथरूम जा रहे हैं, अब वहां भी साथ चलोगे क्या? अरे नहीं नहीं, हाँ चलेंगे। बचाओ! अरे ऐसे कैसे? बचाओ! ऐसे कैसे? बचाओ! ऐसे कैसे बचाओ? अरे बचाओ! एक मिनट रुकिए। तुम्हारे जान को खतरा है यार, तुम्हारे जान को खतरा है। अरे मगर हुआ क्या? हुआ क्या? आपका ये बंदा, अरे प्रोटेक्शन के नाम पे हमारी लाइफ में ऐसा चिपक गया है कि छुड़ाए नहीं छूट रहा है। जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ चिपक चिपक के आगे पीछे घूम रहा है। जिंदगी नरक कर दी है इसने हमारी। अरे भैया काहे इतना चिरमिरा रहे हैं? ना आप ही के सेवा के लिए है ना, ताकि आपको कुछ ना हो, इसलिए आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, तो आप इतना घबरा का रहे हैं? देखिए बात भी नहीं करने दे रहा है ये आदमी हमको। अरे वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसे ड्यूटी तो करने दीजिए, आप ऐसे रोक नहीं सकते। ये कैसी ड्यूटी है आप ही बताइए? भूत बनकर कोई हमारे साथ चिपट गया है। अरे कोई अपना पर्सनल स्पेस होता है, कोई प्राइवेसी होती है, और आपके कोई पर्सनल स्पेस पे जब कोई कुंडली मारकर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? कैसा लगेगा आपको बताइए? अब समझ में आया आपको? जो प्राइवेसी नाम की चीज की आप बात कर रहे हैं, जब आप अपनी पत्नी के ऊपर ऐसा कुंडली बन के बैठ जाते हैं, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तब उसको कितना घुटन महसूस होता होगा, आपने इस बात का एहसास है आपको? हाँ और सुन डार्लिंग, एक बात समझ के लेने का, प्यार जो है ना एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा एहसास है, उसको गले का फंदा बनाने का नहीं। तुम जैसे चिरकुट लोग ना प्यार में यही गलती करते हो, प्यार कर लेते हो फिर समझने लगते हो कि सामने वाला तो अपनी वस्तु है, उस पे अपनी पहरेदारी करने लगते हो, हर चीज उसी आदमी से चाहिए तुमको। ऐसा नहीं होता डार्लिंग, प्यार में सामने वाले को आजाद छोड़ने का, खुद खुश रहने का, सामने वाले को खुश रखने का, और ये फालतूगिरी नहीं करने का रे, इसी को बोलते हैं सच्चा प्यार। भाई अब तो छोड़ दे, अब मैं समझ गया हूँ। मैडम हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हम अपनी बीवी के साथ कितना गलत कर रहे थे, उसकी जिंदगी हमने जीते जी नर्क बना रखी थी। ऑलमोस्ट मेरी भी बनी थी। आज अगर वो यहाँ पर
आप सबके सामने होती ना तो हम उससे यहीं पर माफी मांगते और कहते कि क्या कहते बताओ क्या कहते और कहते कि हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है हमें माफ कर दो बस कहते बस क्या बात है चटक चंदनी मैं बोली थी ना कि मेरा आइडिया काम आएगा देखा गया तुमने कब कहा वे नहीं कहा नहीं क्या बात है चटक चंदनी मेरे दिल की बात समझती है रे तू एक नंबर बस बस ये घर पे जाके करने का थाना है ना मैडम बहुत बहुत शुक्रिया जीवन का संतुलन सिखाने के लिए एप्स संतुलन बना के रखने का और आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हम दोनों को मिलाने के लिए कितना कुछ किया तो सबके लिए एक सल्यूट तो बनता है हाँ हमको पता है तुमको नींद क्यों नहीं आ रही थी क्योंकि तुम ये सोच रही थी कि ये लड़की असल में है कौन क्योंकि सच कहे तो हम भी यही सोच रहे थे कि ये लड़की असल में है कौन ये हमारे मैडम सर हैं कि उर्मिला है मगर हमें ना इतना सोचने के बाद ना हमें लग रहा है कि ये मैडम सर नहीं है ये उर्मिला ही है काहे अरे काहे का काहे कोई इतने दिनों तक दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकता है क्या हाँ अरे दूसरे तो छोड़ो कोई इतने दिनों तक खुद से झूठ बोल सकता है ये लड़की उर्मिला ही है हमारी मैडम सर नहीं है और कुछ नहीं स्वभाव में ही नौटंकी भरी पड़ी है ना तो इसीलिए तो खुद को हसीना मलिक बोलकर हमारे साथ मस्करी करती रहती है और अब तो वो भी बंद याददाश्त ही चली गई और जितने भी याददाश्त झटके मार रही है वो उर्मिला की है हमें तो पक्का यकीन है कि ये उर्मिला ही है मैडम सर नहीं है और क्या ये इतना सबूत काफी नहीं है और एक सच बात है हमको तो लगता है ना इस उर्मिला को अपने घर मुंबई वापस भेज देना चाहिए क्योंकि और यहाँ रहेगी ना तो सबके लिए मुसीबत खड़ी करती रहेगी अरे माँ अम्मा आप क्या बात कर रही हैं उसका याददाश्त अभी पूरी तरीके से वापस नहीं आया है जब तक उसका पूरा याददाश्त वापस नहीं आ जाता तब तक हम उसको वापस नहीं भेज सकते इंसानियत के नाम पर तो बिल्कुल नहीं भेज सकते ना पहले उसको ठीक होने दीजिए फिर उसके बाद देखते क्या करना है पता नहीं कहा है अम्मा लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है कि वो उर्मिला है मतलब कुछ चीजें ना आप समझिए हम जो कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीजें आप महसूस कर सकते हैं उसके होने का बुनियाद नहीं होता है या तो वो होती है या नहीं होती है और हमें ऐसा लगता है कि कुछ एक सच है हमारे सामने जो हम देख नहीं पा रहे हैं ये उर्मिला बनने का इसने पूरा नाटक किया है लेकिन असल में स्टार्टिंग से ये मैडम सर ही थी ऐसा हमको फील होता है और हमें इसका पता लगाना ही पड़ेगा ठीक है अगर ऐसा है ना तो तुम अपने विश्वास पर कायम रहो हम तुम्हारे साथ हैं अभी सो जाए थोड़ी देर कर्णावती रे संतु हाँ बनकुरी क्या चल रहा है जेल में क्यों सो रही है उर्मिला मेरा दिमाग खराब करके रखा है उर्मिला ने क्यों क्या किया हाँ कल रात को पुष्पा जी बिलू जी के साथ बाहर बैठ के दारू पी रही थी हे भगवान हे भगवान के लिए टाइम है आगे का तो सुनो पुष्पा जी उसके बाद बिलू जी को भगा दिया खुद यहाँ सो गई इसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि ये रेलवे वाला ये साउंड नहीं है ये मैं प्ले करूँ क्यों क्यों क्योंकि इसी माहौल में मैडम को नींद आती है टिकट चाहिए मुझे क्या भाई यहाँ शराब पी रखी है कौन सा टिकट चाहिए अरे टिकट चाहिए टिकट किसका टिकट चाहिए
अरे ये रेलवे स्टेशन है तो ट्रेन का ही टिकट मिलेगा ना, हवाई जहाज का तो मिलेगा नहीं। अरे मुझे बम्बई जाना है, जल्दी टिकट दो। देखिए भाई साहब ये बम्बई किसको बोला रे? मुंबई बोलने का मुंबई, आमची मुंबई। अरे मुझे बम्बई जाना है। चाहे चक्का आवाज गोली मार देंगे। मैं रुक गया, मुझे गोली मत मारना। हमको भी नहीं मैडम, हम भी रुक गए। हम तो रुके ही हैं। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी। तुमसे ड्यूटी ठीक से नहीं होता है क्या? तुम्हारा आशिकी में दिमाग आउट हो रहा है, हम तुमको बता रहे हैं चीते। ये लेकिन ये ड्यूटी पे है, हम ड्यूटी पे नहीं है, हमें छोड़ दो। तुम काहे भागे? भागे ये भागे इसलिए मैं भागा। तो फिर इसके हिस्से को पिटाई भी तुमको मिलेगा। हाँ। याद रखना, तुम भी मार खाओगे जितना ये मार खाएगा। मारो मारो, ये तुम्हारे भाग्य की वजह से मेरे भाग्य में ये लिखा है। भगवान रक्षा कीजिए, पुष्पा जी फोन का नहीं उठा रही है। आप भी बचा सकती है अपनी डेंजर बहू से। अरे तो मैंने भी कल रात को शराब पी थी, मैं तुम्हारा पर बोल रही हूँ कि नहीं। पकड़ा गई हो तो मार दियो। मुंबई बोलो ना। मुंबई 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 बोला बोला मुंबई बोला। हाँ अब बख्श दो उसे। हाँ हाँ। और देखिए भाई साहब, आपको रेलवे का टिकट चाहिए तो आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। ये पुलिस स्टेशन है ना, यहाँ कहाँ आ गए आप? ये पुलिस स्टेशन है? नहीं तो क्या हम यहाँ पे टीटी की यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं क्या? टिकट 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 कर रहे हैं? नहीं, आप एक तो दारू पी कर आए, आपको जेल जाना है क्या? मैडम सॉरी, वो क्या है कि मुझे यहाँ ट्रेन की आवाज आई तो मैं समझा रेलवे स्टेशन है। वो क्या है कि मुझे बम्बई जा रहे है। तुम लोग क्या कर रहे हो? थाना हैंडल होता नहीं, तुम लोग से खाली पीली मेरा टाइम वेस्ट करते हो। फोन आ गया। अरे देवा। वीडियो कॉल? हाँ चीते बोल। और तुम? मैडम मैडम मैडम, पुष्पा जी आपकी सास। पुष्पा जी का उखाड़ लेंगे हमारा। देखिए देखिए, बहुत ज्यादा मार रही है आपकी बहू हम लोग को। अरे अरे क्या करें, आप छोड़िए उसे। तो एक गैर जिम्मेदार के लिए और क्या करें हम? मारेंगे ना तो क्या करेंगे इसका हम, बताइए। अरे मगर उसने किया क्या? अरे क्या भाजी पाला बना के रखा है तुम लोग ने? कैसे कब से बोल रही हो? मेरे को सुनो तो समझ में नहीं आता क्या तुम लोग को? खाना बिना कुछ डिसिप्लिन नहीं है, कुछ कायदा कानून कुछ नहीं है तुम लोग का। बड़े है देश के रखवाले। सुना सुना क्या क्या सुना रे? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ जाओ अंदर जाओ। ऐसा बात करेगी मेरे से है माता रे? यहाँ पर उर्मिला मारे माते कौन है? पार्सल है उनके लिए। हाँ हाँ मैं हिलाओ लो प्रसल, अंदर लो। बड़ा पार्सल है, आपको बाहर आना होगा। चांद लेके आए क्या? चल। बड़ा पार्सल आया उर्मिला के लिए, क्या होगा? पूछिए अपने लाडले चीते से कौन लाया पार्सल। लाडला मैं हूँ माँ। हाँ भाई बता क्या चाह। चल 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 देखते। अच्छा गावा दे, इतना बड़ा गिफ्ट मेरे लिए? हे किधर? लेकिन अंदर से कितनी मऊ डार्लिंग है। एक मिनट, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक है करिश्मा सिंह। ये हम नहीं लाए हैं, ये चीता लाया है। हाँ हाँ ये चीता। डार्लिंग आई लव यू, थैंक यू थैंक यू। तू मेरे साथ रूम पे चल, तू बर्तन धोना, मैं बड़ा पापा बनेगी, अपनी जोड़ी फंटास्टिक है। यहाँ निकल लाइए बस। अरे रुकिए 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 रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप धंधा शुरू हुआ नहीं कि आ गए घुसखाने? तुम्हारे बड़े साहब को पैसा देती मैं उनसे जाके बात करने का। चल तेरे
हमने कहा था ना ये उर्मिला ही है, पुलिस वालों से कितना नफरत करती है देखो। ठीक है अभी इसको अंदर लेके जाइए और इसको समझाइए कि इसके दायरे की सीमा क्या है, जाइए बाकी सबको समझाते हैं। मैडम सर को क्या हो गया? हाँ भैया हो गया कार्यक्रम खत्म, अब सब जाइए जाइए आप भी जाइए। उनपे संशोधन चल रहा है क्या? यार तुम लोग कान खा जाओ हमारा, सॉरी सॉरी तुम चल। नहीं ये वर्दी में है तुम्हारी मैया की सासू मैया। मुझे फंसाया गया। अच्छा तुमको फंसाया गया? हाँ हाँ मुझे फंसाया गया। कौन फंसाया तुमको? इसने, इकबाल ने फंसाया, इसकी आइडिया थी। और उर्मिला को रेकड़ी भिजवाने का? इधर आओ, रुक, इधर इधर इधर। हाँ भैया तोते कहीं के ज्यादा ही तुम्हारा। हाँ समझाओगे काहे किया ऐसे, समझाओगे कि नहीं बोलो। मैडम बोलने देगी तब बताएंगे ना। हाँ बोलो। ये आइडिया चीता भाई का था, हमारा नहीं था। कटो। ठीक कटघरे से बाहर आओ, तुम कटघरे में आओ। आओ और समझाओ काहे काहे अपना इतना दिमाग लगा लिया तुमने। हाँ मैडम हमको लगा कि सब करने से उर्मिला जी का याददाश्त वापिस आ जाएगा। अच्छा ये जो उर्मिला उर्मिला करते हो ना, कोई उर्मिला नहीं है वो, समझ रहे हो हमारी बात को? वो मैडम सर है, मैडम सर। ऐसा आपको लगता है मैडम? हमको जो लगता है ना जीते वो एकदम सच लगता है। मे भी आपको लगता है मैडम, और वो इसलिए लगता है क्योंकि क्योंकि आप मानने को तैयार ही नहीं है कि मैडम सर मर चुकी हैं। आप ये मानती नहीं है कि उर्मिला मैडम सर है, लेकिन आप ऐसा सोचती हैं कि काश यही मैडम सर हो। मैडम सर मरी नहीं है, मैडम सर जिंदा है, कासा बनकर, याद बनकर, हम लोग का हिम्मत बनकर, उम्मीद बनकर, और यही उम्मीद आपको मानने नहीं दे रही है कि ये उर्मिला महादेव मात्र है और यही सच है। बुरा मत मानिएगा मैडम, लेकिन ये सब नाटक कर करके ना हम सब लोग थक गए हैं। इसलिए हम पुष्पा जी संतु जी हम सब लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उर्मिला का याददाश्त वापिस चला आए और वो बेचारी अपने घर मुंबई चली जाए। इसीलिए ये सारा प्रयास ये सारा प्रयत्न कर रहे थे मैडम, कुछ बुरा लगा तो सॉरी मैडम। देखो उर्मिला उर्मिला नहीं है, वो मैडम सर है, और ये हमारा उम्मीद नहीं है, ये हमारा यकीन है। याद आया कुछ? थोड़ा सोचो और सोचो। हाँ हाँ याद आया कुछ? याद आया। अरे मुंबई की वड़ा पाव क्वीन थी मैं, अखे मुंबई में अगर समुद्र के बाद देखने लायक कोई चीज थी तो वो थी उर्मिला महादेव मात्र। और तुम्हारे घर का पता याद है तुम्हें? अरे क्या बोलती है रे माता रे, याद होएगा ही ना। एक पता एक छोटी सी खोली में रखती थी मैं, वो ट्रेन जाती थी ना तो घड़ घड़ होता था उसमें। नहीं नहीं पता 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 क्या है तुम्हारे घर का? अरे पता मालूम है ना मेरे को, मेरे खोली का पता मेरे को नहीं मालूम होएगा क्या माता रे? देख वो था दादर वेस्ट कबूतर खाने के बाजू में, खोली नंबर खोली नंबर दादर कबूतर खाना विट्ठल वड़ा पाव खोली नंबर नहीं याद आ रहा। याद कैसे आएगा? याद तो सच रहता है ना, झूठ जो होता है ना वो गैस के गुब्बारे की तरह होता है, टाइम के साथ उसका हवा निकाल ही जाता है, जैसे तुम्हारे झूठ का निकल गया जब तुम्हारा याददाश्त गया। तुम उर्मिला नहीं हो, तुम मैडम सर हो और तुम उर्मिला होने का नाटक कर रही हो, बहुत नाटक करती हो तुम। ए हंटर वाली उर्मी का भी नाटक नहीं करती कर लगा। अच्छा तो तुम मैडम सर होके हसीना मलिक होके तब से उर्मिला बनी फिर रही हो, इससे बड़ा नाटक और क्या हो सकता है बताओ, हमको समझाओ। जाने दीजिए ना, क्यों खामखा आप? नहीं नहीं एक मिनट हाँ है मैं हसीना मलिक है, काहे के लिए तुम लोग मुझे रोज का 2,500 रुपए देते हो हसीना मलिक बनने के लिए, पर वो सब डार्लिंग बाहर पब्लिक के वास्ते, इधर अपन असल वन पीस उर्मिला महादेव मात्र, और अभी मैं मस्त अपनी वड़ा पाव की रेकड़ी चलाएगी और धंधा करेगी। तुम क्या टोपा गई हो क्या? बिल्कुल हसीना मैडम वड़ा पाव बेचती हुई कैसे लगेंगी, तुमको अक्कल है थोड़ा? अरे यार मेरे को एक बात बताओ, अगर अमिताभ बच्चन सड़क पे खड़ा होकर दातुन बेचेगा तो वो दातुन वाला थोड़ी हो जाएगा, वैसे ही हसीना मलिक इधर की SSO बन के रहे। वेरी गुड, या उधर जाके वड़ा पाव बेचे रहेगी तो हसीना मलिक ही ना। कोई रेकड़ी वेकड़ी नहीं चलेगा,
कुछ नहीं होगा, नहीं बेचोगी तुम बड़ा पाओ। तुम हसीना मैडम हो और तुम वही समझो अपने आप को, समझी? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।